बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल योर डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी महक सुहेल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज जो है हमने फुल कंप्लीट ब्राइडल मेकअप ब्राइडल बेस बनाने का तरीका आपके साथ शेयर किया है। कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, इंशाल्लाह आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। हमने जो है फाउंडेशन पे काम किया है। सबसे पहले हमने इनके चेहरे पे प्राइमर अप्लाई किया है। प्राइमर की जगह जो है मेरी स्टूडेंट्स ने किसी ने सवाल किया कि कौन सी मेन जो है फेस की एरिया जिस पे प्राइमर अप्लाई होता है या फुल कंप्लीट फेस पे अप्लाई करना पड़ता है, तो मैं इस वक्त उन्हें यही समझा रही थी कि चीक्स और नोज़, अपर लिप और चिन और फोरहेड पे जो है फ्रंट की साइड पे जो है प्राइमर अप्लाई होता है। प्राइमर एक एज अ बेस काम करता है, तो जो ये वेदर चल रहा है इसमें मेकअप से पहले प्राइमर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है 38 नंबर की क्रायलॉन की पेंट स्टिक अप्लाई की है। उसको आप स्पंज से भी टैपिंग करके सेट कर सकते हैं और चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी आप जो है अच्छे से लगा सकते हैं। फिंगर की हेल्प से लगाने से आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, उसकी ब्लेंडिंग जो है बहुत अच्छे से वो स्किन के अंदर जो है बहुत मिक्स हो जाती है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। और इस तरीके से हमने इनके फुल फेस पे जो है 38 नंबर की क्रायलॉन की स्टिक अप्लाई की है और उसको सेट करेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे हमने जो फाउंडेशन पे काम किया है वो है काशी का फाउंडेशन, जो कि हाई कवरेज है और ऑल स्किन टाइप है। इसका नंबर जो है आइवरी शेड है। आइवरी शेड हमने यूज़ किया है क्योंकि हमारी मॉडल की स्किन जो थी वो गोरी थी, मतलब वाइट स्किन थी, तो हमने उन पर आइवरी का शेड ही यूज़ किया है और इस वक्त हमारे पास यही अवेलेबल थी। तो सच्ची बताऊँ और हमें इसका ही रिव्यू देना था। तो यहाँ पे जो है मेरा स्पंज जो है बिल्कुल भी वेट नहीं है, ड्राई स्पंज है और टैपिंग कर रही हूँ बेस को। और इस वक्त पार्लर में इतनी सख्त गर्मी हो रही थी, बिलीव मी लाइट तो होती नहीं है, पूरे पाकिस्तान की लाइट तो बस अपनी मर्ज़ी से आती है, अपनी मर्ज़ी से जाती है। तो हमारी क्लास चल रही थी बट यहाँ पे गर्मी थी, तो इस बेस का जो फाउंडेशन काशी का है इसकी यहाँ पे हमें यूँ भी पता चला कि ये बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट के साथ हमें मिली है। काफ़ी हाई कवरेज है और काफ़ी अच्छे से जो है ये ब्लेंड हो रही थी, तो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा। जब मैंने अपनी मॉडल पे किया और इतनी गर्मी में उसको पसीना आ रहा था, बट उसको पसीना जो है मतलब बाहर की साइड पे ऐसा लग रहा था कि उसको पसीना हमने ऊपर से पानी लगाया, लेकिन बेस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा पसीने आने से। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरह आपको 5 मिनट तक बिल्कुल सेटिंग करते रहने पड़ेगी। और नेक पे हम काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फेस पे काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को इशू बिल्कुल ना बनाइएगा कि हमने नेक पे बेस नहीं लगाई। तो जाहिर सी बात है जहाँ बेस लगा रहे हैं और वहीं पे ही एप्लीकेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने इनको एक बार फिर से सेटिंग के लिए जो है स्पंज अच्छे से लगाया फेस पे। और इसके बाद हम लोग ब्रश की हेल्प से जो है लूज़ पाउडर को अप्लाई कर रहे हैं। जो ज़्यादा लाइक करते हैं ब्रश से यूज़ करना तो वो ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा लूज़ पाउडर लगाना है फाउंडेशन पे, बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। और दूसरी साइड पे भी हम यही जो है लूज़ पाउडर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल ड्राई पफ से, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई हो। और बहुत ज़्यादा उसको थोप थोप के लगाना है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए भले वो। तो टैपिंग करनी है इसकी भी, ताकि ये स्किन के अंदर बेस के अंदर जो है लूज़ पाउडर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपके पास फेस पाउडर है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं फाउंडेशन के ऊपर। कोई भी फाउंडेशन हो उसको लगाने के बाद आपको लूज़ पाउडर ज़रूर अप्लाई करना है, वरना वो फाउंडेशन हाई कवरेज नहीं होगी, वो फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। उसके बाद जो है कंटोरिंग करने का आपके साथ मेथड शेयर किया है। इस तरीके से आप कंटोर कर सकते हैं अपनी मॉडल के फेस को। ये जगह इनकी जो है काफ़ी वाइट की साइड थी, तो उसको हमने कंटोर किया है, बहुत ज़्यादा डार्क शेड के साथ नहीं किया है। और इस तरीके से मैं ब्रश चलाने का तरीका समझा रही थी अपने स्टूडेंट्स को, तो ये है कि आप लोग भी देखें, फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी इस टाइप की बेस
और फाउंडेशन के साथ जो भी बेस है आप ज़रूर ज़रूर बना सकेंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि हमने किस तरीके से कंटोर किया है, किस तरीके से बेस को सेट किया है। ये कंप्लीट ब्राइडल बेस है जो बहुत जल्दी और फास्ट तैयार हुई है। तो यहाँ पे हम दूसरे साइड पे भी कंटोर करेंगे और आप देख सकते हैं मैं ब्रश कहाँ से लेके आ रही हूँ और किस तरह चला रही हूँ। हमने कंटोरिंग जो पैलेट है वो भी आपके साथ दिखाई है, आपको शेयर किए, तो आप मार्केट से बहुत इजीली ये कलर, ये कंटोरिंग किट आपको मिल जाएगी। और नहीं तो आप क्रिस्टाइन की भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। तो यहाँ पे हमारी लड़की का बेस कंप्लीट हो गया था और बहुत ही गर्मी और पसीने में इसको हमें 2 घंटे तक रखा, लेकिन बेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा पसीने आने से। तो बिल्कुल रेकमेंडेड है काशी की फाउंडेशन, बहुत बहुत हाई कवरेज है, बहुत ज़बरदस्त है। आप जो है ले सकते हैं अपनी ब्राइड्स के लिए। और ये जो है नोज कंटोरिंग करने का तरीका है जो आप देखें, फॉलो करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि नोज़ कंटोरिंग में हमेशा लड़कियां गलती कर जाती हैं, तो इस पे ज़रूर ज़रूर आप देखिएगा। और यहाँ पे जो है मैं आपको आई मेकअप और फुल मेकअप का आई बटन दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप कंप्लीट मेकअप की वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हाइलाइटर लगाने का भी एक तरीका बताऊंगी जो बहुत कम बताया जाता है वीडियोस में। इस तरीके से जो है हम ब्लश लगाने से पहले या ब्राउज़र लगाने से पहले हमारी जो मॉडल है उसको हाइलाइटर लगा देंगे, जहाँ जो हाइलाइटिंग एरिया होती है। और ये ब्राउज़र है 2 कलर में, इसका जो डार्क पिंक कलर है मैं उससे इनके चिक्स बनाऊँगी और आपके सामने जो है तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से मैं शेड लेके टैपिंग कर रही हूँ। तो यहाँ जो है आपके साथ शेयर की है कंप्लीट बेस की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।